मेरा बेबी मुझे बहुत सपोर्ट करता है, मतलब वो 2.5 इयर्स का है बट वो हर चीज में मुझे सपोर्ट करता है। वो वेट करता है कि 12 बज गए मम्मा आएगी, सुबह हम उसको 1 बजे छोड़ते हैं, रात को 12 बजे उसको लेकर। साथियों हम लोग निकल चुके हैं, बाइक ले ली हमने, बस अब भोपाल एक्सप्लोर करते हैं पाजी के साथ। तो पाजी चलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मजे में? या मजे में चाहिए? गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो सरदार जी की वीडियो देख लो। तो दोस्तों सरदार जी कर रहे हैं भोपाल को एक्सप्लोर। तो अगर कोई भोपाल एक्सप्लोर कर रहा है और हाकर कॉर्नर नहीं आया तो समझ लो भोपाल में आया ही नहीं। तो यहाँ पर चौपाटी टाइप दुकानें लगती हैं, तरह तरह का फूड मिलता है, ट्रेडिशनल फूड अपना जो है कि भोपाल का। हिडन जेम ढूंढी लिया हमने भोपाल में। हिडन जेम्स हैं सर, मतलब भोपाल में भी भरे हुए हैं, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप सबसे पहले तो ये बताइए। सर नाम बताइए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम ब्रवीम। ब्रवीम राजा। ब्रवीम। अमिता। अमिता जी, क्या तो आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? सर हमें 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे? इसके पहले हम 3D एनिमेटर थे। अरे सर 3D एनिमेटर, और आप क्या करते थे? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। क्या बात है। तो ये आप लोगों का पैशन लग रहा है जो आपको पीछे लेके आ गया। खाने की बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। क्या बात। ओहो हो। जब हम खाने जाते हैं, जब हम खाने जाते हैं तो हमें लगता है कि यार यहाँ ये कम है, इसको ऐसा होना चाहिए। हमारे हाथ का जो टेस्ट हमें पता लगा, वो हमें हमारे रिव्यूज मिलते हैं कस्टमर से कि नहीं आपकी ये चीज अच्छी है। अच्छा। तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हम इसको और आगे बढ़ा सकते। अभी आपका जो बेस्ट यहाँ पे चीज है वो क्या है? सर हमारे यहाँ भी बेस्ट आइटम में आप तवा पुलाव ले सकते हैं। अच्छा, मुंबई का स्पेशल तवा पुलाव। और हमारे यहाँ कलकत्ता स्टाइल के कटलेट्स हैं। अच्छा, जो आपको ऑल ओवर एमपी में कहीं नहीं मिलेगा। और आपका ये कटलेट्स का जो टेस्ट है, वेज कटलेट है, वेज कटलेट्स है, पनीर कटलेट है, चीज पनीर कटलेट्स है। कटलेट्स की 3 रेंज है हमारे। टोटल प्योर वेज है आपका? प्योर वेज स्टॉल है, 100% वेज। और आप पराठे भी अभी देखा मैंने, आप बना रहे थे? बिल्कुल सर। पराठे का साइज भी पाजी बहुत बड़ा है। अरे बिल्कुल। हमारा पराठे का जो स्टाइल है पंजाबी स्टाइल है। मैं लास्ट कुछ टाइम हरियाणा में थी तो मैंने पराठे का स्टाइल वहाँ से कैरी किया है। तो जहाँ भी मैं रही हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ कैरी किया है मैंने। लाइक हम लोग इंदौर गए थे तो हम लोगों ने वहाँ से सैंडविचेस कैरी किए, तो उसके सैंडविचेस हम लोग यहाँ पे सर्व करते हैं। स्टाइल पराठों का पंजाबी है। तो आई थिंक सर चाइनीज थोड़ा बना रहे थे, तो सर चाइनीज कैसे आपने मतलब सीखा ये? मतलब अभी देखा मैंने, आप इतना अच्छा वो बनाया, स्टफिंग रोल वगैरह। एक सर ये कला होती है ना सर, सीखना पड़ता है मेरे ख्याल से, बट फिर भी कैसे आया ये? सर हर चीज़ कहीं ना कहीं से सीखना पड़ता है। बिल्कुल, वो इसीलिए तो। तो और आपको जब खाने की खुद चाह होती है ना, कुछ टेस्ट आप खुद एनहांस करते हैं। तो आपकी मैरिज में कितना टाइम हुआ? 11 इयर्स। 11 इयर्स से। और बेबी? एक है। तो मैनेज कैसे? 2.5 साल का। मैनेज कैसे करते हैं? नानी के पास। मेरा बेबी मुझे बहुत सपोर्ट करता है। अच्छा, मतलब वो 2.5 इयर्स का है बट
वो हर चीज में मुझे सपोर्ट करते हैं। इवन रात को 12 बजे मुझसे लेने जाते हैं तो वो वेट करता है कि 12 बज गए मम्मा आएगी। तो मतलब ये डेली का रूटीन है, डेली का रूटीन है। सुबह कितने बजे आप छोड़ते हैं? सुबह हम उसको 1 बजे छोड़ते हैं, रात को 12 बजे हम उसको लेते हैं। सर महिलाओं के लिए मैनेज करना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टास्क है आप लोगों के। मैं उस बच्चे के लिए सोच रहा हूँ कि जो मतलब वो कितना निर्भर अकेले रहता है अपनी मम्मी के, मतलब एकदम मम्मी पापा को एकदम देखने के लिए वो है कि, और उनके मम्मी पापा भी बच्चे की मेहनत कर रहे हैं, मतलब उस बच्चे को प्राउड फील होगा बड़ा होकर। सेवा ही है सर, ये और क्या सेवा है। बहुत बढ़िया आप काम। जब उसे भूख लगती है तो उसे याद आती है मम्मा के पास जाना है, मुझे खाऊ करना है। मैडम बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और बहुत काफी मोटिवेशनल काम कर रहे हैं आप लोग मिला है, और जो मेरी बहनें माताएं देख रही हैं, और मतलब ये जरूर सीखने वाली बात है, क्यों? सीखने वाली बात है, मतलब हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके ही कुछ मिलता है। साथियों चलिए खा के देखते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा है इनका टेस्ट, तवा पुलाव और कटलेट खा के देखते हैं। श्योर सर। चलो ये है हमारे कटलेट दोस्तों, जो कि ये फ्राई हो रहे हैं। तो इसके फ्राई में कौन सा आप यूज करते हैं ऑयल? हम लोग सर सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं। यहाँ पे सोयाबीन ऑयल, ओके। ये सर डीप फ्राई हो रहा है और जब निकलेगा उसके बाद आप खुद देखिएगा इसमें आपको ऑयल नहीं मिलेगा। ओह बिल्कुल, दिस इज फॉर यू। ओह क्या बात है सर, तो दोस्तों इसमें जो है कि अमूल बटर डाला है स्पेशल इन्होंने, जिससे कि इसका स्वाद जो है और अच्छा हो जाएगा। और सर थोड़े डालना, और साथ में जो है कि टमाटर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अब ये जो है कि राइस, ये सर बॉइल्ड राइस है, वाइल्ड राइस है। वाओ, तो अरे वाह, लास्ट धनिया थोड़ा सा, ये पनीर, पनीर ओह ऊपर से पनीर भी डाला भैया ने। वाह भाई साहब, ओह माय गॉड, क्या टेम्पटिंग लग रहा है। बॉस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह क्या प्लेट सजी है यार, मुंबई तवा पुलाव तो मुंह में पानी ला दिया है, और कलकत्ता का जो कटलेट है वो भी, और एक जो पराठा रोल है वो भी बहुत मस्त है। और माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, हमने तार लगा रखी है, आप देख रहे हो, पता नहीं क्या बात है, किसी टेक्निकल एरर की वजह से आवाज़ नहीं आई, लेकिन कसम से दोस्तों क्या टेस्ट था यहाँ का, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। पेट पूजा फॉर यू स्टॉल, ये हॉकर्स पॉइंट भोपाल में पड़ता है, 6 नंबर मार्केट में, और आप कभी भी यहाँ पर जाएँ और अमिता जी के हाथों के ये चीज़ें खाएँ, आपको आनंद आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर भोपाल की अगली डेस्टिनेशन पर। नमस्कार।